नमस्कार दोस्तों, आज की बातचीत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा तीसरा एक और फाइनल प्रोग्राम है सीरीज़ में, जो हमने एक पूरा सप्ताह डेडिकेट किया है गौरैया को, चिड़िया को। और हम लोगों ने इसमें सबसे पहले ये देखा, पहले दिन हमने चर्चा की कि गौरैया जो हमारी उसका स्टेटस क्या है, कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, उनकी संख्या देखी हमने और किस वजह से वो कम हो रही हैं, कि एक जगह से कम हो रही हैं कि वो पूरे विश्व में कम हो रही हैं, तो क्या स्टेटस है ये, हमने इसके ऊपर भरपूर चर्चा की और उसका एक रिसर्च पेपर भी पढ़ा गया। हमने दूसरे हिस्से में देखा कि कौन कौन से ऐसे पेड़ हैं, कौन से ऐसे पौधे हैं जिसके ऊपर गौरैया आती है, तो हमने इसको होस्ट प्लांट के ऊपर चर्चा की, और भारत के कौन कौन से हिस्से में गौरैया मिलती है, अभी भी आज भी है, वो भी हमने चर्चा की, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गौरैया कम हो रही है, इसके ऊपर भी बातचीत हमने की। तो आज हम थोड़ा साहित्य के ऊपर बातचीत करेंगे। आज हम लोग कुछ कविताएं हैं हमारे पास जिसको पढ़ेंगे और याद करेंगे गौरैया के बारे में, और थोड़ा सेंसिटाइज करेंगे एक दूसरे को कि किस वजह से हमारे आसपास के पंछी, हमारे आसपास की चिड़ियाँ ज़रूरी होती हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ लोग हैं जो आज अर्बन एरियाज़ में ख़ास तौर पे, जिन्होंने शायद चिड़िया देखी भी नहीं है, जो गौरैया जिसको मैं बोल रहा हूँ, स्पैरो बेसिकली, जिसको हम हाउस स्पैरो कहते हैं। तो स्पैरो की बड़ी प्रजातियाँ, अलग अलग स्पीशीज़ भी होती हैं, जिसमें हमने कई तरह के और स्पैरोज उन्होंने शायद देखी हो, रसड स्पैरो है, सिंध स्पैरो है, शायद वो कुछ लोगों ने देखी हो, कुछ किसी के घर में कोई लकी है तो अभी भी आसपास घर में हाउस स्पैरो भी मिलती हो, लेकिन हो सकता है कि अर्बन एरिया में तो बहुत लोगों ने स्पैरोज देखे भी ना हो। तो जिन्होंने स्पैरोज नहीं देखी है, तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, हमने पिछले अंक में भी चर्चा की थी कि सिर्फ स्पैरो ही नहीं, आपके घरों के आसपास बहुत सारे ऐसे पक्षी मिलते हैं, बारबेट्स हैं, मैना है, कोयल है, हॉर्नबिल्स हैं, ये भी आपके आसपास ही होते हैं, चैट्स होती हैं, बुश चैट्स होती हैं, और रॉबिन्स होते हैं, तो ये भी आपके आसपास घरों के आसपास ही होते हैं। तो आप जो चिड़िया, सभी किसी ऐसे छोटे पक्षी को जो चिड़िया मान लेते हैं, तो उसको आज हमारा ये अंक डेडिकेटेड है। तो मैं जो आज हम लोग कविता पढ़ने वाले हैं, उसमें सबसे पहले मैं, दिशांत हमारे साथ हैं, तो मैं दिशांत को, उन्होंने जो कविता आज सेलेक्ट की है चिड़िया को डेडिकेट करती हुई, जो बेसिकली हाउस स्पैरो को नहीं, सभी प्रकार की चिड़ियाओं को डेडिकेट करते हुए ये कविता आपके सामने दिशांत अभी पढ़ने वाले हैं। दिशांत, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हेलो। और आज मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ कविता वह चिड़िया जो। ये कविता लिखी गई है केदारनाथ अग्रवाल केदारनाथ अग्रवाल जी से, और इसको शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे चूंडी के दाने रुचि से, रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर ढूंढे वन बाबा की खातिर, रस उड़ेलकर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चिड़ी नदी का दिल टटोलकर, चढ़ी नदी पर दिल डोलकर, जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। बहुत अच्छे दिशांत, आपने बहुत ही अच्छी कविता पढ़ी यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ कविता को पढ़ना ही नहीं था, लेकिन जो आप बात कहना चाहते हैं, कविता को पढ़ने का एक तरीका होता है, कुछ कुछ शब्द आपने कविता के लहजे में नहीं पढ़े, तो मैं एक बार दोबारा आपके लिए वो कविता पढ़ रहा हूँ, ताकि आपको और सुनने वाले जो हमारे आपके साथी हैं, सहपाठी हैं, उनको भी पता लगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से, रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटे मुंह
वाली वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का, दिल टटोलकर जल का मोती ले आती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो एक ये बहुत अच्छी कविता है, केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी है और बच्चों के पाठ्य पुस्तक में भी है। तो बहुत ही खूबसूरत, उन्होंने बच्चों को सेंसिटाइज करने के लिए, उनको संवेदनशील बनाने के लिए इस मुद्दे पर यह कविता लिखी है। अब मैं आपके सामने आमंत्रित करता हूँ, मेरे साथ इशित हैं यहाँ पे। तो इशित, वो आपके सामने एक कविता आपके सामने रखेंगे, लेकिन साथ ही मैं स्वागत करता हूँ कमलप्रीत जी का भी, जो हमारे साथ जुड़े हैं। मैम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल जी करुण जी, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। अभी दिशांत ने कविता पढ़ी है चिड़िया के ऊपर, और हाँ अभी जी, इसके साथ ही इशित भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो एक बार मैं इशित को इनवाइट करता हूँ कविता पढ़ने के लिए, फिर मैं एक बार आपसे बात करता हूँ। ठीक है सर। जी, तो इशित आपका स्वागत है कविता के लिए। ये कविता शिव मंगल सिंह जी ने लिखी है, चिड़िया उन्मुक्त गगन की। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निभोरी, कनक कटोरी की मैं दासे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुभते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, अक्षर छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डाले। बहुत बढ़िया इशित, आपने ये कविता हमारे सामने पढ़ी। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बताया कि कविता को सिर्फ हमें एक कहानी की तरफ पढ़ना ही नहीं होता है, थोड़ा सा कविता के बारे में हमें पता भी होना चाहिए कि कविता में जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं। तो कविता कैसे पढ़ी जाती है और कैसे बताई जाती है, थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा आज हम कर रहे हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन की, हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद परिंदे हैं और उस गगन में हम आज़ाद उड़ना चाहते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंध ना गा पाएंगे। अगर हमें पिंजरे में कैद कर लिया गया तो हम नहीं गा पाएंगे। हमारी जो आवाज़ आपको भली लगती है, जिस आवाज़ को सुनकर आप हमें प्यार देते हैं, वो प्यार हमारा पिंजरे में नहीं आ पाएगा, हम पिंजरे में नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो पिंजरा है उनके लिए, चाहे सोने का पिंजरा बना दीजिए, सुनहरी पिंजरा बना दीजिए, तो उससे अगर पिंजरे में अगर उड़ेंगे तो हमारे जो नाजुक पंख हैं वो टूट जाएंगे, हम खुश नहीं रह पाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। जो पंछी होता है उसको पसंद होता है कि वो नदियों का जल पिए, वो बहता हुआ जल पिए, साफ पानी पिए, लेकिन अगर हम पिंजरे में कैद कर लिया जाएगा तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कड़वी नीम की जो फली होती है, जो उसका निबोरी होती है, उसका फल जो होता है, वो कहीं भला है, किससे भला है? कनक कटोरी की मैदा से, सोने के कटोरे में रख के अगर मैदा दे दिया जाए, उससे कहीं भला है। जो आप रोटियां हमें खिलाते हो उससे कहीं भला है। हमें कटुक निबोरी, नीम कड़वा चाहिए है लेकिन उसको भला माना गया है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। सोने के पिंजरे में बंद होकर उड़ान भूल जाते हैं और सिर्फ सपने रह जाते हैं। वृक्ष का जो ऊपर का छोर होता है, फुनगी होती है, उसको हम लोग बस झूले के रूप में सोचते ही रह जाते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने।
हम आसमान की सीमा को पाने की कोशिश करते थे, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। सुबह सुबह जब पक्षी उड़ते हैं तो किस तरह सुबह की लालिमा जो है वो देखते हैं। होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। आसमान इतना ऊंचा है लेकिन हम लोग भी दौड़ लगाते थे कि उसको छू लें, या तो छू लेते थे या फिर सांस फूल जाता था। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। कितनी मार्मिक बात लिखी है, कितना बढ़िया तरीके से शिव मंगल सिंह जी ने लिखा है कि चाहे तो हमारा घर भी आप तोड़ दो, आपने तोड़ दिया है, अब हम आपको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पंख हैं, कृपया हमारे पंख की उड़ान में विघ्न ना डालें, कृपया हमें पिंजरे में ना बंद करें, पिंजरे में कैद ना करें। तो एक बड़ी ही संदेश दी हुई कविता 7वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक में एनसीईआरटी द्वारा बच्चों के लिए लगाई गई है। बहुत बढ़िया, बच्चों को संवेदनशील करते हुए पाठ है। तो आज क्योंकि कविता की बात हो रही है तो एक कविता मैं भी पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले हम प्रोफेसर कमलप्रीत जी बात करते हैं। मैम आप कुछ कहना हाँ जी चाहेंगे? सर, हाँ जी जी हाँ सर, ये कविता हमें सिर्फ यही नहीं कहती कि चिड़िया कैसे फील करती है, हमें अंदर से भावुक कर देती है। हमारे को ये जब हम देखते हैं तो ये हमें भावुक कर देती है कि हाँ, और इस सबकी जिम्मेदारी हम ही है। हम अपना भी अच्छा नहीं सोच पा रहे और चिड़ियों के बारे में भी नहीं सोच पा रहे। तो ये बहुत ही अच्छी और बच्चों के लेवल की जो 7वीं बच्चों कक्षा के बच्चों के लिए जो बनी है, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी और एप्रोप्रिएट, जिसको हम कहते हैं उस एज में एज एप्रोप्रिएट कविता लिखी गई है और एज एप्रोप्रिएट बुक में आ चुकी है। पर फिर भी हमें जैसे कि आज ही अभी लेटेस्ट न्यूज में है कि चंडीगढ़ में जो तेंदुआ जो है उसने नया ग्राउंड में दो बच्चों को, एक बच्चे को खा लिया है और एक बच्चे के शत पैर पे आया है। ये अभी न्यूज आई है, मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता बट लगता है ये ऑथेंटिक है, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर भी आ रहा था कि एक तेंदुआ दो आए हैं। तो ये हम क्योंकि हम तेंदुए की गलती जो है वो तो चलो, पर हम उनके एरिया में जाते जा रहे हैं, इसलिए हमें एक अपने एक दोनों के बीच में गैप रखना पड़ेगा, नहीं तो उनकी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी बाउंड्री की, और अपनी भी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जी जी जिस तरह से जी हम पैसे जा रहे हैं उस तरह से मुझे लगता नहीं है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। अच्छा, तो इसके लिए मैं भी और भी चीजों के लिए करना चाह रही हूँ कि हम एक एक्टिविटी करें जिसमें हम बच्चों को, छोटे बच्चों को, राजा 5वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को कुछ चिड़िया के घोंसले जो हम लगवाते हैं, जो कि हमारे कॉयर वाले घोंसले हैं, वो लगवाएं उनकी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो खबर अभी बताई है इस खबर को तो अभी मुझे समझना है कि क्या हुआ, लेकिन वाकई में हमने काफ़ी सारा हिस्सा चंडीगढ़ में, तो बहुत सारी खबरें भी आई कि काफ़ी सारा हिस्सा इनक्रोचमेंट के अंदर भी हो गया, जहाँ पे नहीं भी होना चाहिए था वो हिस्सा भी धीरे धीरे कवर होता जा रहा है, कंक्रीट होता चला जा रहा है। खैर कॉन्ट्रोवर्शियल बात मैं नहीं पढ़ूंगा मैं, लेकिन जो हमने कुछ दिन पहले एक अंक में तस्वीरें देखी थी, अखबार की बात कर रहा हूँ, तो उसमें यही था कि काफ़ी सारा हिस्सा जो जंगल हुआ करता वहाँ पे अब धीरे धीरे कंक्रीट बिछने लगा है, तो उसकी वजह भी हो सकती है कि उधर के प्राणियों ने इधर का रुख कर लिया हो, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। कनेक्टिविटी जब वैसी बन जाती है तो मे बी वो भी इधर आ सकते हैं। जी, और दूसरा ये आपने जो घोंसले की बात कही, तो मैम आज मैंने एक खास आज के प्रोग्राम के लिए कविता अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखी इसी विषय पर, तो मैं पढ़ता हूँ। मे बी जो आप कह रहे हैं या हमने 3 दिनों में जो किया उसको हम लोग उस कविता में समाप्त कर पाए, तो मैं आज जो मैंने गुरैया पे लिखा मैं सबके सामने उसको पढ़ना चाह रहा हूँ। और इसमें मैंने वो चीज़ें लिखी हैं कि जो हम लोग फील करते थे पहले, कि जब हम रात को सोते थे तो तब चिड़िया कैसे शाम को घर आके अपने वो चींची करते हुए, वो भी सो जाती थी, हम भी सोते थे और सुबह उनकी चींची से उठ जाते थे, तो एक समय भी साथ में बंधा हुआ था, कब सोना है कब उठना है ये सब बंधा हुआ था। तो वहीं से शुरुआत करता हूँ कविता की। ना नींद ही ठीक से आती है, ना नींद ही ठीक से आती है, ना उठा समय से जाता है, ना नींद ही ठीक से आती है, ना उठा समय से जाता है, अब तुझे ढूंढने गौरैया कोई
कोई बताए हम कहाँ जाएं, ना नींद ही ठीक से आती है ना उठा समय से जाता है, अब तुझे ढूंढने गौरैया कोई बताए हम कहाँ जाएं। पहले जो गेहूं के दाने थे उनको जब सुखाया जाता था तो बच्चों को कहा जाता था कि चिड़िया उड़ा दो ये खा जाएंगे, लेकिन आज चिड़िया है ही नहीं, जब चिड़िया नहीं है तो क्या स्थिति आ गई है। बिखरा के दाने बैठे हैं तेरे आने की आहट नहीं, बिखरा के दाने बैठे हैं तेरे आने की आहट नहीं, इस शोर में आपाधापी है तेरी मीठी वाणी सी अब राहत नहीं। बिखरा के दाने बैठे हैं तेरे आने की कोई आहट नहीं, इस शोर में आपाधापी है तेरी मीठी वाणी सी राहत नहीं। मन को भाती रस बरसाती, मन को भाती रस बरसाती, वो चींची अब कहाँ से लाएं, तुझे ढूंढने गौरैया कोई बताए अब हम कहाँ जाएं। तुम आ जाओ, अब देखिए कि सब अखबारों में, कविताओं में, साहित्य में, सब जगह ये बात आ गई है, सभी हम पुकार रहे हैं कि आ जाए वो। तो कविता में जो मैंने लिखा, तुम आ जाओ बस आ जाओ ओ गौरैया, तुम आ जाओ बस आ जाओ ओ गौरैया, सहरा में अब्र की आस लिए बैठे हैं। तुम आ जाओ बस आ जाओ ओ गौरैया, सहरा में अब्र की आस लिए बैठे हैं, तिनकों से परेशान थे कभी हम, तिनकों से परेशान थे कभी हम, लो आज खुद घास लिए बैठे हैं। वो उछलती कूदती मेरी बेटी सी तुम, वो उछलती कूदती मेरी बेटी सी तुम, तुम्हें दोशाला कैसे उड़ाएं, अब तुझे ढूंढने गौरैया कोई बताए हम कहाँ जाएं। तो कहाँ से कहाँ आ गई है हमारी ज़िंदगी, कहाँ हम उसकी मीठी वाणी में खो जाते थे, उसके साथ हमें मिलता था रस, लेकिन आज आज की जो हमारी ज़िंदगी हो गई है उस ज़िंदगी में हम उसको वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आज की कविता थी मैम, आप अगर कुछ कहना चाहेंगे तो मैम आप इस कविता पे कुछ कह सकते हैं या कोई और अपनी बात रखना चाहेंगे तो। अरुण जी, इतनी अच्छी कविता, मैं तो बस यही कह सकती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी लिखी है और ऐसे दिल को छू लेने वाली कविता लिखी है। वाकई हम कहाँ से गोरैया को लेके आए, अगर हम सिर्फ गोरैया की बात ना करें, कहाँ से हम सारी की सारी चिड़ियों को इसी जी उसमें से कहाँ को लेके आए, कि मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ। और ये बहुत ही मीठी सी कविता आपने लिखी है, इसको हम इस बार के मेरे को लगता है संस्करण आपका जो है उसमें पब्लिश करने की कोशिश की थी। और इसमें कुछ हम और भी जो डाटा है हम दे पाएंगे, हम वो भी दे पाएंगे। जी बिल्कुल, हम जो इस बार अपने संरक्षण का जो इशू भी निकाल रहे हैं, हमने उसमें भी एक पेपर शामिल किया है, वो पेपर गोरैया के ऊपर ही है, हमारे जो अभी गुजरा है, जो हम वीक भी बना रहे हैं ये, तो ये भी उसमें दर्ज किया जाएगा। जो संरक्षण हमारा मंथली मैगजीन आता है उसमें जो पेपर है उसमें कितनी तरह की स्पीशीज हैं आसपास हमारे गोरैया की, वो भी हमने उसमें दर्ज की हैं। और हम ये अच्छा, सतत प्रयास करते रहते हैं कि लगातार ये जितनी भी जानकारी हमारे पास इकट्ठी हो हम लगातार सबके साथ वो शेयर करते रहें। तो उम्मीद है कि ये प्रयास, ये जो कोशिशें हैं हम सबकी, एक जो जुड़ी हुई सबकी कोशिशें हैं, ये ज़रूर रंग लाएंगी और हम जितने लोगों को भी समझा पाएँ, जितने लोगों को भी ये बता पाएँ कि आप अपने आसपास अपने वातावरण का ख्याल रखिए उतना ही अच्छा है। और जितने लोग वातावरण की बात करेंगे, जितना जितने लोग समझेंगे उतना ही अच्छा है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने सप्ताह मनाया अभी, जिसमें हमने 3 दिन का कार्यक्रम रखा और तीनों दिन हमने जिस तरह से बातचीत की, अगर उन 3 दिनों का निचोड़ निकाला जाए तो बात यही निकल के सामने आती है कि हम में से बहुत लोग हैं जो इस काम को करना चाहते हैं। इस काम को करने के लिए सार्थक प्रयास तभी हो पाएंगे जब हम सब मिलजुल के उन प्रयासों को करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है कि मैं अपनी बात यहीं तक रखता हूँ। मैम अगर आप कुछ और कहना चाहें तो। हम एक और बात ऐड करना चाहेंगे जी कि ये 3 दिन में उसमें जैसे कि बच्चों ने कविता पढ़ी, जी हमारे जो डेंटल कॉलेज के जो बच्चे हैं उन्होंने बर्ड हाउसेस भी लगाए हैं इस बार, इसी बार की उसमें, तो उनकी भी तस्वीरें हम कुछ शेयर कर देंगे। जी और कुछ हम बच्चों को सेंस किया कि कैसे गोरैया है, कैसे कैसे हम उनके साथ रह सकते हैं और कैसे हम घरों को में थोड़ी थोड़ी मिर्च छोड़ सकते हैं। जी तो मुझे लगता है कि इस बार की ये काफी अच्छा ये मैसेज गया है हमारे बच्चों के पास, हमारी कमिंग जनरेशन के पास, तो मुझे भी अच्छा लगा है।
जी, मैं आपकी तस्वीरों का वेट करूंगा मैम, क्योंकि हमारा बस 2 दिन में वो इशू फाइनल हो जाना है एडिशन इसका, तो आपसे ये मैं आग्रह करूंगा अगर आप तस्वीरें भेज रहे हैं तो मुझे कल ही भेज दें। ठीक है अरुण जी, मैं कल भेज जी, और बड़े ही अच्छे तरीके से मैम इस वीक को हमने सेलिब्रेट किया, और हम सबकी ये कोशिशें मुझे लगता है ज़रूर रंग लाएंगे। जल्दी ही आपसे मुलाकात भी होगी मैम, कॉलेज में मिलते हैं। जी जी दूंगी। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए मैम। तो जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं फेसबुक के ज़रिए, मैं उनसे पहले विदा लूँगा। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि 3 दिन का जो हमारा प्रोग्राम था सोशल सब्सटेंस ग्रुप में, आप 3ों दिन ये लाइव देख सकते हैं प्रोग्राम। ये वीडियो पूरी तरह से रिकॉर्डेड आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा। हमारा जो प्रयास है वो लगातार अलग अलग धाराओं को एक जगह पे लाना है, और हमारी ये कोशिश है कि हम सब जुड़ जाएं, मिल जाएं, जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, जब वो सब एक साथ प्रयास करेंगे, उसका एरिया बनेगा, तो वाकई में हम जो हमसे दूर जा चुके हैं वो पास आएंगे, और जो पास हैं वो पास रहेंगे। अगर हम दूर जाने वालों की सिर्फ बात करते रहें और पास की बात ना करें, तो एक दिन जो पास है वो भी खो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जो अभी हमारे पास बच गया है उसको भी ज़रूर संभालना है हमें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लाइव ऑडियंस को अपनी विदा कहता हूँ। अगले अंक में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी।